उन जिलों में त्राही त्राही मच रही थी। आषाढ़ चला गया, सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की बूंद नहीं। आकाश में बादल कभी कभी छिटपुट होकर इधर उधर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कलकत्ता मद्रास की तरफ जोर की वर्षा हुई है। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा, इसी आशा में अनाज बो दिया गया था। अनाज जम निकला, फिर हरियाकर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो सब समाप्त, यह आशंका उन जिलों के गांवों में घर करने लगी। लोग व्याकुल थे, गांव में सामानों की कमी न थी। टोने टोटके धूप दीप सभी कुछ किया, लेकिन कुछ न हुआ। एक गांव का पुराना चतुर नावता बड़ी सूझबूझ का था। अधाई पर उसने बैठक करवाई, कहाँ क्या किया गया है थोड़ी देर इस पर चर्चा चली। नावते ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। सभी तरह के उपाय कर लिए गए, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कुछ ना किया गया हो, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और उन गांव के नाम लिए, होम हवन सत्यनारायण कथा बकरों मुर्गों का बलिदान इत्यादि किसी किसी ने फिर सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं, कभी किसी ने सोचा? इंद्र वर्षा के देवता है, सब जानते हैं, पानी की झड़ी के साथ मेढक बरसते हैं, सो क्यों? कोई किरानी कह देगा कि मेढक नहीं बरसते, बिल्कुल गलत, मैंने खुद बरसते देखा है। बड़ी जान या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो, सांझ के समय रख दी, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेंढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेंढक बहुत प्यारे हैं, वे जो रट लगाते हैं तो इंद्र का जय जयकार करते हैं। अथाई पर बैठे लोग मुंह ताक रहे थे कि नवाते जी अंत में क्या कहते हैं। नवाता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेंढक मेंढकी का ब्याह करा दो, पानी ना बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेंढक मेंढकी का ब्याह? कुछ के होठों पर हंसी झलकने की हुई, परंतु अनुभवी नावते की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर ना पाई। एक ने पूछा, कैसे क्या होगा उसमें, मेंढकी के ब्याह की विधि तो बतलाओ दादा। नावते ने विधि बतलाई, वैसे ही करो मेंढक मेंढकी का ब्याह जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है, सगाई फलदान शगुन तिलक आतिशबाजी भावर ज्योनार सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे, बादल का धब्बा भी वहां ना था। पानी ना बरसा तो मर मिटेंगे, ढोरों बैलों का क्या होगा? बड़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नावते की बात स्वीकार कर ली, चंदा किया गया, आसपास के गांव में भी सूचना भेजी गई, कौतूहल उमगा और भय ने भी अपना काम किया। यदि नावते के सुझाव को ठुकरा दिया तो संभव है इंद्रदेव और भी नाराज हो जाए, फिर क्या होगा? चौपट, सब तरफ बंटाधार, आसपास के गांव ने भी मान लिया, काफी चंदा थोड़े ही समय में हो गया। नावते ने एक जोड़ी मेंढक भी कहीं से पकड़कर रख लिया, एक मेंढक था एक मेंढकी, ब्राह्मणों की कमी नहीं थी, ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिणा, गांव के दो भले आदमी मेंढक मेंढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त शोधा गया, जल्दी का मुहूर्त, गाजे बाजे के साथ फलदान शगुन की रस्में अदा की गई, दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेंढक मेंढकी नावते के ही पास थे, वही उन्हें खिला पिला रहा था, अन्यत्र हटाकर उनके मरने जीने का जोखिम कौन ले भला। तिलक भावर का भी दिन आया, पानी के एक बर्तन में मेंढकी उस घर में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा, हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेंढक दुल्हा पालकी में बिठलाया गया, रखा गया बांध कर, उछल कर कहीं चल देता तो सारा कारोबार ठप हो जाता। आतिशबाजी भी की गई और बड़े पैमाने पर, एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह क्या, दूसरे अगर पिछले साल किसी ने आतिशबाजी का 1 रुपया फूका था तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ाना ही चाहिए। तिलक हुआ, जैसे ही मेंढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेंढक उछला,
ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेंढक एक पक्के डोरे के बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धकड़ में मुहूर्त चूक जाता। कुछ लोग मेंढक की उछल कूद पर हंस पड़े, कुछ ने ब्राह्मण को फटकारा, डरते हो, दक्षिणा मिलेगी पंडित जी, करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोर कर मेंढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भावर, एक पट्ट पर मेंढक बांधा गया, दूसरे पर मेंढकी, दोनों ने टर्र टर्र शुरू की। नावता बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने भावरे पढ़ी और पढ़वाई, फिर दावत पंगत हुई, मेंढकी की विदाई हुई। मेंढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्यों के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेंढक मेंढकी के विवाह में क्यों ही हाथ सिकोड़ा जाए। पानी बरसे या ना बरसे, मेंढक के पिताजी बहरहाल कुछ से कुछ तो हो ही गए। नवाता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए, फिर बरसा मूसलाधार। लोग हर्ष मग्न हो गए, नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली तो नहीं गई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम ना ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ आई, पोखरे और तालाब उमड़ उठे, कुछ तालाबों के बांध टूट गए, खेतों में पानी भर गया, सड़कें कट गई, गांव में पानी तरंगे लेने लगे, जनता और उसके ढोर डूबने उतराने लगे, बहुत से तो मर भी गए, संपत्ति की भारी हानि हो गई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वह ना माने तो ना माने। लोग कह रहे थे, इससे तो वह सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो, उसका नुस्खा तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है, मेंढक मेंढकी की तलाक कराए देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेंढकों का वह जोड़ा कहाँ मिलेगा, लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर उसकी जेब में था। उसने चट से कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया, कैसे, प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेंढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था, जानता था कि शायद अटक न जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्यवाही जल्दी जल्दी की गई। तलाक की क्रिया के निभाने में ना तो अधिक समय लगना था और ना कुछ वैसा खर्चा। मेंढक मेंढकी दोनों छोड़ दिए गए, दोनों उछल कर इधर उधर हो गए, परंतु पानी का बरसना बंद न हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का वारा पार नहीं। गांव छोड़ छोड़ कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में आया कि नावता मिल जाए तो उसका सर फोड़ डालें, परंतु नावता कहीं 9-2-11 हो गया। Thank you.